गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ कि आप लोग अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। यह चीज़ मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगा। तो गाइस, आप लोग मेरा वीडियो इससे पहले आप लोग देखे होंगे, मैं VFX का यूज़ करके कैसे हम लोग हीरो के सट्टा में अपना ही वीडियो लगा करके और कैसे हम लोग एंट्री कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसमें अपना वीडियो लगा सकते हैं। तो यह चीज़ मैं आप लोगों को सिखाया था। तो आज हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, हम लोग बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे। तो ये चीज़ मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा, तो उससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अपना बेहतरीन एक वीडियो कैसे बना सकते हैं बैकग्राउंड रिमूव करके, बैकग्राउंड में आप लोग वीडियो शुरू होने से पहले आज आप लोग पहले कैन मास्टर का इंस्टॉल करिए, क्योंकि हम लोग उसी से अपना वीडियो के एडिट करेंगे और बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। तो गाइस, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जो कि आप लोगों तक मेरा हर एक वीडियो पुगे। गाइस, अब हम लोग चल रहे हैं काइन मास्टर पे, तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। सो हेलो गाइस, हम लोग अब काइन मास्टर स्टार्ट करेंगे। काइन मास्टर स्टार्ट करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद 16:9 पे हम लोग क्लिक करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग एक इमेज असिस्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वो वाइट कलर एक लेंगे। वाइट कलर लेने के बाद हम लोग का जो वीडियो जितना होगा उतना हम लोग डायरेक्ट इसका ड्यूरेशन कर देंगे। ड्यूरेशन इसका करने के बाद हम लोग अब किस चीज़ का हम लोग बैकग्राउंड में अपना सेट करना चाहते हैं उस पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद हम लोग मीडिया, उसके बाद गाइस हम लोग लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाएंगे। मीडिया में जाने के बाद हम लोग वीडियो यदि हम लोग बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं तो इधर से वीडियो आप लोगों को जो अच्छा लगे इधर से एक डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इधर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इमेज लगाना चाहते हैं इधर से लगा सकते हैं, वरना आप लोग गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, जैसे कि एक मैं इधर डाउनलोड किया हूँ तो इस पर मैं अपना बैकग्राउंड लगाता हूँ। तो हम लोग ऐसे आने के बाद इस फ्लैट स्क्रीन में जा करके ऐसे फुल स्क्रीन पे कर देंगे। फुल स्क्रीन में करने के बाद अब गाइस हम लोग फिर बैक आएंगे। बैक आने के बाद फिर हम लोग लेयर पर जाएंगे। लेयर पर जाने के बाद गाइस मीडिया में जाएंगे। मीडिया में पहले हम लोग इसे हल्का उस कर दें, तो हम लोग गाइस इसे लेयर पे जाएंगे। लेयर पे जाने के बाद इफेक्ट पे जाएंगे। इफेक्ट में जाने के बाद बेस इफेक्ट पे हम लोग जाएंगे। बेस इफेक्ट जाने के बाद इसे चूज करेंगे। चूज करने के बाद इसे भी फुल स्क्रीन पर कर देंगे। इसको भी हम लोग फुल स्क्रीन पर कर दिए। तो इसे इतना करने के बाद गाइस हम लोग फिर लेयर पर जाएंगे। लेयर पर जाने के बाद मीडिया में जाएंगे। उसके बाद हम लोग कौन सा वीडियो शूट किए हैं उस पर जाएंगे, तो उसे हम लोग उस वीडियो को लाएंगे। तो इसे हम लाएँ, उसके बाद इसे क्या करेंगे गाइस, हम लोग फिर इस पर आ जाएंगे। उसके बाद क्रॉपिंग में जाएंगे। क्रॉपिंग में जाने के बाद हमारा जहाँ तक पर्दा है ग्रीन कलर का, वहाँ तक हम लोग क्रॉप कर देंगे। क्रॉप इधर से भी कर देंगे, उसके बाद इधर से भी कर देंगे क्रॉप। क्रॉप करने के बाद फिर बैक आएंगे हम लोग। इतना काम होने के बाद आप लोग गाइस फिर क्रोमा की में जाइएगा। क्रोमा की भी इनेबल कर दीजिएगा। इनेबल करने के बाद अब हम लोग इधर से मैनेज करेंगे, थोड़ा इधर से ऐसे मिला के इस तरह से आप लोग मिला लीजिएगा। इधर से आप लोग देखिए, इधर इधर इसे भी चूज कर लीजिएगा आप लोग। तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे, उसके बाद इसे बढ़ाएंगे गाइस। उसके बाद इससे भी हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीक़े से मिला लेंगे। मिला लेने के बाद हम लोग गाइस कहाँ पर हमारा सेट करना है इसे सेट कर लेंगे। तो गाइस अब देखिए आप लोग, उसके बाद अब हम लोग प्ले करें। उसके बाद प्ले करें, इस तरीके से हमारा आ जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरीके से शूट करिएगा वीडियो, वरना ऐसे ही आएगा। थोड़ा मेरा पर्दा कम था, पर्दा और ले कमती में आप लोग 2 मीटर
हाइट और 2.5 मीटर या 3 मीटर चौड़ाई लीजिएगा, उसके बाद और अच्छे तरीके से हो जाएगा आप लोगों को। तो गैस मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। तो धन्यवाद। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सेव करेंगे। सेव करने के लिए इधर इनर साइड में एक दिया होता है, इसे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद सेव एज पे क्लिक करिएगा, उसके बाद आप लोग स्केप कर दीजिएगा। स्केप करने के बाद यह देखिए हो रहा है सेव। इतना ही मेरा वीडियो था। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।